नवाबों के शहर लखनऊ को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिल चुकी है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए लखनऊ को ही चुना है। मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 नवंबर को सीरीज का दूसरा T20 मैच यहां खेला जाएगा। शहर के नवनिर्मित इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होगा। स्टेडियम में 12 से 18 सितंबर के बीच अंडर 19 क्रिकेट के कुछ मैच होने हैं, जिसमें भारत के अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। एक हफ्ता पहले ICC के प्रतिनिधि के रूप में जवागल श्रीनाथ ने स्टेडियम का दौरा किया था और उन्होंने स्टेडियम की जमकर तारीफ की थी। मीडिया से बातचीत करते हुए इफाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रबंध निदेशक उदय सिन्हा ने कहा कि वह पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने को पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह UPCA के पास अब कानपुर समेत अब 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। बता दें कि UPCA ने 2 वर्ष पहले इकाना स्टेडियम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे। बताते चलें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मैच दीपावली से एक दिन पहले होगा, इसलिए इसका रोमांच दोगुना हो जाएगा। मंगलवार को कैरेबियाई टीम की अक्टूबर नवंबर में भारत दौरे का पूरा कार्यक्रम घोषित हुआ है। 2 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 मैच की श्रृंखला के दौरान लखनऊ को दूसरे T20 मैच की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।